अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यानी वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। और जी मैं बना रही हूँ आज दाल कर दूँ, और जी ये मैं मसाला में ढूंढ रही हूँ। अभी मैंने इसमें प्याज गोल्डन फ्राई किए हैं, साथ ही में मैंने दालचीनी और लौंग दो तीन डाल लिए थे। उसके बाद मैंने टमाटर, सब्ज मिर्चें और लहसुन ये डाल के अब मैं अच्छे से इनको इनकी भुनाई कर रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मैंने कद्दू कट करके पानी में डाल के रखा हुआ है अच्छे से वॉश करके, और यहाँ पे मैंने दाल को भी अच्छे से वॉश करके भिगो के रखा हुआ है इसको। और ये दाल कद्दू बिल्कुल देसी स्टाइल में बनेंगे, जैसे कि मेरी अम्मी घर में बनाया करती थी और मैं वैसे ही बना रही हूँ आज। मैं वही जैसे मैं उनको देखा करती थी बनाते हुए, तो मैं आज वैसे ही ट्राई कर रही हूँ। तो जी ये अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है, अब डालते हैं इसमें स्पाइसेस। चलें जी अब स्पाइसेस डाल देते हैं। ये अच्छे से भुन गया है, तो स्पाइसेस भी मैं डाल रही हूँ। ये काली मिर्च साबुत है, ये होंगी कोई 20-21, और ये है जी दड़ा मिर्च और भुना कुटा धनिया, हल्दी और नमक, बस इतने से ये मसाले मैंने डालने हैं। और बस जी अब इनको मैंने अच्छे से फिर भूनने हैं थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये जो मसाले हैं ना जले नहीं। चलें अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें। अब मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ फिर। चलें जी ये अच्छे से भून गया, अब हम इसमें डालते हैं कटा हुआ कद्दू। ये लें जी मैं कद्दू डाल रही हूँ, थोड़े से मैंने मोटे मोटे इसके पीसेस कटिंग किए हैं, और अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। चलें जी कद्दू अच्छे से भून लिया है मैंने, और अब डाल देते हैं इसमें दाल। इसको कर देते हैं मिक्स। अब डालते हैं इसमें हम पानी। पानी डाल दिया क्योंकि दाल मैंने इसमें भिगो के रखी हुई थी, कच्ची ही डाली है मैंने, बॉईल करके नहीं डाली, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दूँगी। और ये डाल दिया है मैंने, और जी अब मैं फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूँगी और उसी पे ये बनेंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी ये दाल कद्दू का सालन बनता है, बहुत मज़ेदार दाल बनती है ये, और बहुत मज़े का ये सालन होता है। और दोपहर में तंदूर की रोटी हो, साथ सलाद बना हुआ और दाल कद्दू का सालन हो, तो मज़े ही आ जाते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। हर कोई अपने स्टाइल से बनाता है, मैं एक बॉईल करके भी बनाती हूँ दाल कद्दू का सालन, वो भी बनाती हूँ, लेकिन ये मुझे याद आ रहा था कि अम्मी ऐसे बनाती थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं ऐसे ही ट्राई करूँ, तो मैंने ऐसे बनाया है। चलें जी साथ जुड़े रहिएगा, बच्चे आने वाले हैं और मैंने जल्दी जल्दी से हंडिया बना ली है, और फिर आएँगे तो खाना गर्म गर्म खाएँगे हम लोग। और आज कोई मेरे घर में आ भी रही है, कौन आ रही है वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, और गेस कीजिएगा कौन आ सकता है मेरे घर। और घर में रौनक खूब होने वाली है माशाल्लाह माशाल्लाह इस वीकेंड पे। बहुत मुश्किल वाली रेसिपी नहीं है, हर कोई अपने स्टाइल में दाल कद्दू का सालन बनाता है, तो मुझे आज अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी। वैसे तो मैं हर वक्त इनको याद करती हूँ, तो आज मुझे याद आ रहा था उनके हाथ का बना हुआ दाल कद्दू का सालन, तो मैंने कहा क्यों ना बना के ट्राई किया जाए। ये उनके हाथ का तो नहीं है लेकिन उनके स्टाइल जैसा बनाने की कोशिश की है, तो
इसी तरह उनको याद करते रहते हैं, उनकी कोई ना कोई चीज़ बना लेते हैं, खा लेते हैं, और उनका नाम हर वक्त हम लोग लेते हैं, हर वक्त याद करती हूँ मैं अपनी अम्मी को। अल्लाह पाक हर एक की माँ को सलामत रखे, और अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी सब बोलेगा आमीन। और चले जी, ऐसे ही साथ बने रहिएगा। आज मेरी बहुत प्यारी वाली एक सिस्टर आ रही है, मेरी बहन आ रही है, और इस वीकेंड पे मेरी सारी सिस्टर आएंगी मेरे घर। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं और भरपूर बातें करने वाले हैं क्योंकि जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो फिर रौनक ही अलहदा से होती है, एक बहुत मुनफरिद सा माहौल बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम सारी सारी रात बैठ के अपना ही बचपन याद करते रहते हैं, अपनी मदर की बातें याद करते रहते हैं, और कोई बात होती भी नहीं है हमारे पास करने को, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो उनकी यादें हैं, और उनकी यादों के सहारे ही हम लोग जीते हैं, उनका नाम ले लेके जीते हैं, उनकी बातें कर करके, याद कर करके, कभी रो लेते हैं, कभी हंस लेते हैं। तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ बस अम्मी का नाम जहाँ पे आता है, अम्मी का जिक्र आता है तो बस फिर वहाँ पे इसी तरह ही हो जाते हैं हम लोग। तो बस साथ बने रहिएगा आज इंशाल्लाह। मेरी सिस्टर जो आ रही है वो भी मैं उनसे भी मिलवाऊंगी आपको और दिखाऊंगी। जो सिस्टर आ रही है वो है जुहान की मदर, और जुहान की शरारतें आप लोगों ने देखी हैं, जुहान हमारे घर में आता रहता है। तो ये है मेरी थर्ड वाली सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी बहन मुबीन चंडीगढ़ वाली, वो आ रही है मेरे घर। तो जैसे आएगी मैं आपको आप लोगों से मिलवाऊँगी आज उससे। ये देखें जी, हमारा जुहान पहुंच गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये इतना खुश है, इतना हैप्पी हुआ पड़ा है कि खाला के घर आ गया हूँ, और ख़ास तौर पे रहमान के साथ तो ये बहुत ही हैप्पी हुआ पड़ा है ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी मेरी सिस्टर आ गई है मुबीन, और माशाल्लाह घर में खूब रौनक लग गई है हमारे, इनके आने से तो खूब रौनक हो जाती है, और इंशाल्लाह बाकी सिस्टर्स भी कल आ जाएंगी तो घर में बहुत मज़ा आने वाला है, और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और जी यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, इकट्ठे होके गपशप हो रही है, रात के तकरीबन 11:30 का टाइम है और हमारी गपशप अभी तक लग रही है, अभी भी कोई मूड नहीं है। बच्चों ने सुबह इतना ने सुबह स्कूल जाना है और ये साहब तो सो ही नहीं रहे ना अभी तक। तो यही था जी आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है लाइफ ऑफ इरना के नाम पे, प्लीज़ वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।